अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आज हम किसी भी तस्वीर या किसी भी वीडियो को हम मोबाइल से लैपटॉप में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी वीडियो को या किसी भी तस्वीर को हम मोबाइल से लैपटॉप में या लैपटॉप से मोबाइल में हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। हमें किसी भी वायर की ज़रूरत नहीं है जो कि हम मोबाइल से लैपटॉप के साथ अटैच करें तो फिर हम आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ गूगल पर जाएंगे और वहां से हम आगे काम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, इसके लिए हमने कंप्यूटर पर पेयर ड्रॉप गूगल से सर्च कर लिया है और हम इसी तरह अपने मोबाइल से भी गूगल खोलेंगे और यहाँ पर भी पेयर ड्रॉप सर्च करेंगे। पेयर ड्रॉप सर्च कर लिया और आगे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अभी हम मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर पेयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं और हमें सामने ऐसा सिंबल देखना है। मोबाइल के ऊपर हमें कंप्यूटर का सिंबल देखने को मिलता है और हमें कंप्यूटर पर मोबाइल का सिंबल देखने को मिलता है। अगर तो आपने मोबाइल से करना है तो आप मोबाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने कंप्यूटर से कोई भी चीज़ सेंड करनी है आप कंप्यूटर के ऊपर करेंगे। मैं मोबाइल से कर रहा हूँ और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं राइट टॉप साइड पर जो मोबाइल पर इमेजेस हैं, मैं उसके ऊपर क्लिक किया है और मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारी गैलरी की सारी इमेजेस सामने आ जाती हैं। तो मैंने अपने फर्स्ट इमेज के ऊपर क्लिक किया है और कुछ ही देखिए, जैसे ही क्लिक किया साथ ही इधर कंप्यूटर पर हमें उधर रिसीव का ऑप्शन आ जाता है। तो हमने सेव कर लिया है और वो कहता है डाउनलोड अगेन। अब हम उसको क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो जी, अभी हम लैपटॉप में दोबारा जाएंगे इमेजेस पे और यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि हमारे मोबाइल से लैपटॉप में इमेज आ गई है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं फर्स्ट वाले जो इमेज है ये वही वाली है। अभी हमने इसके ऊपर क्लिक किया है और आप सामने देख सकते हैं ये वही वाली इमेज जो हमने मोबाइल से इमेज की थी सीधा लैपटॉप में आ गई है। तो जी, ये तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप किसी भी फाइल को सेकेंडों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।